फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक, रामू ने दो रेडियो 3,200 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो रेडियो को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो जो ये कुल क्रय मूल्य है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुल क्रय मूल्य जो दिया है ये 3,200 रुपये, ये किसके बराबर होगा? पहले के क्रय मूल्य धन दूसरे के क्रय मूल्य के। तो कुल क्रय मूल्य ये 3,200 रुपये है, ये तो दिया ही है। जो पहला वाला जो क्रय मूल्य है ये 25% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे वाली वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हमें निकालना है प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम जो विकल्प दिए हैं उनमें से हम ले लेते हैं एक विकल्प को, कि मान लेते हैं कि ये विकल्प नंबर ये सही है जो हम विकल्प ले रहे हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि 1,500 है, 1,500। तो ये पहले का जो क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 धन लाभ। तो ये है विक्रय मूल्य 1,500 × 100/100 धन लाभ, यानी 25% लाभ पर, तो 125 हो गया। जब दूसरी वाली वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है, तो ये आ गया क्रय मूल्य ही निकालना है। तो विक्रय मूल्य गुणे 100/100 - हानि, क्योंकि 25% की हानि, तो 75 आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 125 से 1,500 काटेंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी 1,200 इधर आ जाएगा, और 75 × 150 तो ये आ जाएगा 2,000। ठीक है, तो ये 1,200 / 2,000 आ गया 3,200, यानी कि ये 3,200 इस 3,200 के बराबर है, यानी कि जो विकल्प हमने लिया था वो बिल्कुल भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ सवालों को हमें विकल्प के माध्यम से हल करने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है, ये वैसे लेंदी नहीं है, आप जो विकल्प लेंगे उस पे 25% का लाभ लगा दीजिए और उसी पे 25% की हानि, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए और फिर देख लीजिए कि 3,200 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो सही है, वरना विकल्प जो लिया था वो गलत है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। एक गाय और एक घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। यदि गाय को 20% लाभ पर और घोड़े को 20% हानि पर बेचा जाता तो पूरे लेन देन में क्या मिलता, मतलब कितना लाभ या हानि होती। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि यह देखिए 20% का लाभ होता है, 20% की हानि होती है। तो हमने बताया था जब सेम लाभ हो सेम हानि हो तो निश्चित रूप से प्रतिशत हानि ही होगी। तो ये कुल हानि ये देखिए निकाल लीजिए, x² / 100, ये सूत्र याद रखिए, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 20 है, ये भी 20 है, सेम है, तो ये 20² / 100, यानी कि 4% की हानि होगी, 4% का लॉस। इसके बाद ये कुल जो CP है, देखिए गाय और घोड़े प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। एक को जब 12,000 में बेचा गया तो दोनों को कितने में बेचा जाएगा, 24,000 में। ठीक है, कुल SP कितना हो गया, 24,000। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पर, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 - हानि। ठीक है, तो यहाँ हमने कुल जो है 24,000 रख दिए गुणे 100/100 - हानि, 100 - 4 = 96। ठीक है, 96 से इसको जो है कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25,000। ये कुल SP हो गया और ये कुल CP हो गया। तो 25,000 - 24,000 ये आ गया आपका 1,000 कुल हानि, यानी कुल टोटल लॉस जो हुआ, खरीदा था 25,000 में, बेच दिया 24,000 में, इसका मतलब नुकसान हुआ 1,000 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंडे के भाव में 25% की कमी आने पर एक व्यक्ति 162 रुपये में 3 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है। अंडों का प्रारंभिक भाव प्रति दर्जन क्या था? जो भाव आपका निकल आए उसमें प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं हैं, 12, तो प्रति दर्जन के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। पहले अंडों का प्रारंभिक भाव आप निकाल लें। तो यहाँ पर देखिए कि कीमत कितनी है,
25% की कमी हो गई, तो ये आ गया 75/100। इसको सॉल्व किया 3/4, ठीक है, यानी कि पहले कीमत क्या थी, 4 रुपये, अब 4 रुपये से कितनी हो गई, 3 रुपये, ठीक है। अब वस्तु इसका उल्टा होंगी, ठीक है, वस्तुएं इसका विपरीत कर दीजिए, तो कीमत है 4:3, ठीक है, 4:3 और वस्तुएं हो गई 3:4। इसके बाद हम प्रारंभिक भाव जो निकालेंगे वो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं, 3 दर्जन अधिक अंडे खरीदता है, तो 3 दर्जन अधिक अंडे खरीदता है, ये वस्तुएं हैं अंडे, तो ये 3 दर्जन मतलब 12 तिया 36 का गैप होना चाहिए, तो यहाँ पर 12 तिया 36 हुआ 3 दर्जन, तो 36 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 में 36 का मल्टीप्लाई, 4 में 36 का मल्टीप्लाई, जितना आया 3 × 36 4 × 36 लिख लिया, ठीक है, इसको गुणा कर अभी ना करिए। इसके बाद हमें प्रारंभिक भाव निकालना है, तो प्रारंभिक पहले वस्तुएं इतनी थीं, बाद में वस्तुएं या अंडे इतने हो गए, 4 × 36, पहले 3 × 36 बाद में 4 × 36, ठीक है। अब आपको प्रारंभिक भाव निकालना है, तो यहाँ पर देखिए रुपए प्रति किलोग्राम, तो रुपए है 162 में पूछ रहा है, तो रुपए प्रति किलोग्राम 3 × 36 का गुणा क्यों किया हमने, क्योंकि ये प्रारंभिक वस्तुएं हैं, पहले इतनी वस्तुएं थीं बाद में इतनी वस्तुएं हो गई, तो 3 × 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, अब एक दर्जन के हिसाब से निकालना है, तो ये 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 18 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 25% की कमी हो गई, तो 75/100, 3/4 हो गया, यानी कि पहले कीमत 4 थी, फिर अब 3 हो गई, कमी हुई ना, तो 4 से 3 हो गई। वस्तुओं के लिए क्या करेंगे, इसी का उल्टा लिख लेंगे, 3:4। इसके बाद अब वस्तुएं आ गई, क्योंकि यहाँ पर 3 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है, 3 दर्जन, इसीलिए हमने वस्तुएं मीन्स अंडे, तो अभी यहाँ 3 दर्जन का मतलब 12 तिया 36, 36 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये प्रारंभिक वस्तुएं, प्रारंभिक अंडे, ये बाद में अंडे की संख्या इतनी हो गई, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, कीमत और वस्तु इन दोनों का अनुपात हमेशा विपरीत होता है, कीमत और वस्तु का अनुपात विपरीत होता है, कीमत कितनी थी, 4 से 3 हो गई, तो वस्तुएं 3 से 4 हो जाएंगी, उसका उल्टा लिख दिया करिए, ठीक है, यानी कि 4 रुपये कीमत थी तब 3 वस्तुएं आती थी जब, ठीक है, और 3 रुपये जब कीमत हो गई तो 4 वस्तुएं आती थी, ठीक है, हमेशा विपरीत कर दिया करिए, और फिर जितने अधिक या कम हो, 3 दर्जन अधिक या कम हैं, तो 12 तिया 36, 36 का उसी उन्हीं वस्तुओं में गुणा करेंगे, इस कीमत में थोड़ी गुणा कर देंगे, ये क्या है, 3 दर्जन अंडे हैं, अंडे का गुणा कीमत में थोड़ा ना कर देंगे, वस्तुओं में ही करेंगे वस्तु का गुणा, तो इसलिए इसको हमने वस्तु निकाला है, ठीक है।